Morning, dear students. Today we will start from the next chapter. So the name of the chapter is light energy. So in this chapter we will discuss about different topics like refraction of light, convex concave, mirror incident ray, reflected ray, real and virtual images. So these are the topics you are familiar with. You have also know about these topics because you discussed these topics in your previous class. So firstly we have refraction of light. So the change in direction of light when it passes from one medium to another is called refraction of light. So refraction ka simple sa meaning kya hota hai, hamare paas two types of medium hote hain. Simply firstly aapne ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जब भी कोई लाइट फॉल करती होगी तो वो किसी ऑब्जेक्ट पर ही फॉल करती होगी जो ओपन एरिया होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम. अब रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, एयर वाले मीडियम को. ओके, देन आफ्टर जो इसके बाद जब हमारे पास लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है उसके बाद ट्रांसमिट होती है. ट्रांसमिट मीन्स वो किसी और मीडियम में चले जाती है, क्योंकि ट्रांसमिट होकर वो ग्लास के थ्रू या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही, किसी लाइन के थ्रू ही किसी और मीडियम पर जाती है. फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लो कि एक ग्लास स्लैब है, आपके पास एक कांच की स्लैब है, उस पर जब लाइट फॉल करेगी पहले तो वो क्या होगा, रेयर मीडियम होगा. जब वो उस पर फॉल करेगी तो वो किस मीडियम में चेंज हो जाएगी, डेंसर मीडियम. तो उसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है और रेयर मीडियम की डेंसिटी डिफरेंट होती है. और रिफ्रैक्शन का सिंपल सा क्या मतलब है, जब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट फॉल करती है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो इसके हमारे पास थ्री डिफरेंट केसेस हैं. सबसे पहले क्या है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, से फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल. पहली रे हमने कैसी ले ली, फॉर एग्जांपल वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, मींस वो एयर से कहाँ तक जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो वो कहाँ कैसे बेंड करेगी, टुवर्ड्स अ नॉर्मल, लाइक दिस. वी हैव दिस मीडियम इज डेंसर मीडियम, दिस मीडियम इज रेयर मीडियम, और ये क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, नॉर्मल के अकॉर्डिंग बेंड करेगी. देन वी हैव सेकंड केस, इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. पहला क्या था हमारे पास, रेयर टू डेंसर था, अब क्या है, डेंसर टू रेयर मीडियम है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अब ये क्या करेगी, दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब नॉर्मल से दूर होगी. पहले क्या थी कि उसके साथ ही होगी, पहले क्या थी, बेंड टुवर्ड्स ही टुवर्ड्स अ नॉर्मल, टुवर्ड्स मतलब उसके साइड में. अब क्या किया उसने, अवे, अब वो नॉर्मल से दूर जाएगी. ओके, तो थर्ड केस हमारे पास क्या है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम. अब अगर नॉर्मली करे तो वो सिंपल सी बात है, ऊपर क्या होगा, रेयर मीडियम, देन वी हैव ग्लास मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम. सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है इंसिडेंट रे. ए ओ हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. इंसिडेंट मीन किसी चीज पर फॉल करना, किसी मीडियम पर फॉल करना. जब कोई रे ऑफ लाइट आती, जैसे सूरज की किरणें, जैसे सूरज की रेज हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पर, फॉर एग्जांपल ग्लास पर, मिरर पर, वट एवर यू थिंग हैव, उस पर फॉल करती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, जो चीज फॉल करती है. ओके, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है, जो मीडियम चेंज होने के बाद आती है. फॉर एग्जांपल दिस, पहले ओ ए था और ओ बी क्या होगा हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि उसका मीडियम अब चेंज हो चुका है. नॉर्मल क्या, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे. और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जो एंगल बनता है नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, रे ऑफ इंसिडेंट के साथ, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो ये वाला एंगल बनता है ना नॉर्मल के साथ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस.
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होती क्यों है। वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट मीडियम ने। जैसे लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट्स स्पीड इन डेंसर मीडियम डिक्रीजेस। अब सिंपल सी एग्जाम्पल लेके चलो, अगर हवा में आ रही है रे तो उसमें उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। ओके, दूसरी तरफ आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में आपके पास लिक्विड है, लिक्विड लाइक अ वाटर है, जब वहाँ पर फॉल करेगी उसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो मिलेगी ना, पहले वो फ्रीली मूव कर रही थी। ओके, जब उसका मीडियम चेंज होगा उसको सम रेजिस्टेंस, अब उसको कुछ रुकावट मिली, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। इट ट्राइज टू फॉलो अ शॉर्टर रूट टू ट्रेवल, सो इट बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल इन द डेंसर मीडियम। तो अब वो क्या चाहती है कि मैं कोई शॉर्टर वे निकालूं जहाँ से मैं पास हो जाऊं, तो वो क्या करेगी, टूवर्ड्स अ नॉर्मल आएगी। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट्स स्पीड इन रेयर मीडियम इंक्रीजेस। अब वो रुकावट वाले रस्ते से निकल कर बाहर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी स्पीड। इट कैन नाउ अफोर्ड टू फॉलो अ लार्जर लॉन्गर रूट इन द रेयर टू इट, सो इट बेंड्स टू। सिंपल सी बात है बेटा, उन्होंने यही बोला है कि जब वो आती है रेयर से डेंसर तो यहाँ पर उसकी स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम होने के कारण वो यही वेग लाएगी कि जो मेरा छोटा रास्ता, मैं वहाँ से बेंड हो जाऊँ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी बाहर आने के बाद, रेयर मीडियम में आने के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो वो कौन सा रूट फॉलो करेगी, लॉन्गर रूट फॉलो करेगी। तो यही बात थी। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, द इंसिडेंट रे जो लाइट फॉल करती है, द नॉर्मल जो हमारे पास नॉर्मल रे होती है, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जब वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इसको हम साइन कॉस में भी एक्सप्लेन करते हैं, साइन I upon sin I is equals to constant, means that angle of incidence to the angle of sin angle of the reflection of given pair of medium for a given color of light is constant। तो वो क्या होता है, constant होता है। Reflective index भी होता है, उसको हम किसके साथ denote करते हैं, mu और n के साथ। और इसकी reflective index की क्या definition है, speed of light in first medium, जितनी first medium में लाइट की स्पीड थी वो लिखनी है v1, देन स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम v2। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट। ओके, तो पता चल गया, सबसे पहले इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो फॉल करती है, जो पास हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। ओके, तो यही टॉपिक था बेटा आपके पास, नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।